सरकार के साथ साथ मौसम भी हमारे साथ कभी खुशी कभी गम का खेल खेल रहा है। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारी आंखों में खुशियां ला रहे हैं, कभी गम भी ला रहे हैं, उसके साथ साथ मौसम भी हमें खुशी दे रहा है, गम दे रहा है। कभी हम पर धूप बरसा रहा है, कभी ठंडी ठंडी बारिश कर रहा है, हवा दे रहा है और उसके साथ साथ हमारी जिंदगी को बना दे रहा है वाह जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चांदनी सराओगी वाह जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है छांव, जीते जिंदगी के हर एक दांव। जाने जमाना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी। हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वाह जिंदगी ने एक श्रृंखला चालू की जिसमें हमारा बस एक ही मकसद था कि हम आपके सामने लाए उन व्यक्तियों को जिन्होंने 30 से 50 की उम्र के बीच में ही एक ऐसी सफलता को हासिल कर लिया, एक ऐसी मंजिल को पा लिया जहां पहुंचकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दिया वाह जिंदगी। इस श्रृंखला में हम आपके सामने लाए हर्षवर्धन नियोटिया को, संजय झुंझुनवाला को, अशोक पारीक को, पीडी रोंगटा को, बीएल मित्तल को, और आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा को जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है पर उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल समाज सेवक भी है, जिन्होंने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दिया है वाह जिंदगी। मैं बात कर रही हूँ कमल नयन जैन की। तो चलिए आज हम देखते हैं कमल नयन जैन की आत्मकथा, कुछ जानते हैं उनके बारे में, कुछ सीखते हैं उनसे। नेपोलियन ने कहा कि उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की कोशिश में लग जाए तो उसे पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। शक्ति का सही नियोजन और ऊर्जा का सम्यक उपयोग कर जिन लोगों ने मंजिल पाई है उनमें एक विशिष्ट नाम है, श्री कमल नयन जैन। और आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनके ऊपर ना सिर्फ सरस्वती पर उनके साथ साथ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है। कमल जी, वाह जिंदगी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 1 फरवरी 1964 को बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था, किंतु मेरा बचपन ठाकुरगंज में बीता। बिहार में मुंगेर में 1 फरवरी 1964 को जन्मे श्री कमल नयन जैन ने अभी अपनी उम्र का अर्ध शतक भी नहीं बनाया है, लेकिन उनकी उपलब्धियों ने उन्हें परिवार, व्यवसाय और समाज में उस मुकाम तक पहुंचाया है जिसे हासिल करने में लोगों का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। केएन जैन एंड कंपनी के फाउंडर कमल नयन जी ने नीश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में 500 लिस्टेड कंपनियों को सर्विस करती है। समृद्ध ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से वे प्रोजेक्ट फाइनेंस और बिजनेस लॉ आदि की कंसल्टेंसी सर्विस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के वे सक्रिय सदस्य हैं।
सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? चांदनी, ऐसा है कि हम जीवन में जो भी कुछ पाते हैं उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि सामाजिक वातावरण हमें कुछ भी अचीव करने में हेल्प करता है। उनकी ये मान्यता भी कि जो कुछ भी हमें मिलता है वह समाज से मिलता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आज की बात है, पर सीधे साधे शब्दों में कमल नयन जी ये मानते हैं कि समाज का ऋण हर व्यक्ति को चुकाना है। कमल जी, हमारे दर्शकों को अब आप अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी का नाम श्री गंभीर मल जैन है और उनका एक छोटा सा कपड़े का व्यवसाय था ठाकुरगंज में, और मेरी माँ मैना देवी जैन है जिसे मैंने बहुत ही छोटी अवस्था में खो दिया, सिर्फ 2 साल की उम्र। माता मैना देवी की ममता की छांव से 2 वर्ष की नन्ही वय में कमल जी वंचित हो गए। उन्होंने जीवन में अभाव भी देखे पर अपनी इच्छा शक्ति और मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया। आपको अपने जीवन में प्रेरणा किनसे मिली? मुझे पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी ने काफी प्रेरित किया, किंतु सबसे ज्यादा प्रेरणा और सहयोग मुझे मेरे बड़े भाई साहब राजकमल जी से मिला। उन्होंने मुझे उच्च शिक्षा के लिए काफी गाइड किया, प्रोत्साहित किया और सपोर्ट किया। आपके भाई साहब राजकमल के अलावा और ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन को सही मायने में प्रभावित किया? मुझे हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, जो मुझे तब भी प्रेरित करती है और आज भी प्रेरित करती है। आसरा ऊपर का मत देख, सहारा नीचे का मत मांग, यही क्या कम तुझको वरदान कि तुझमें भरी है प्रलय की आग। लायंस मूवमेंट से सक्रियता से जुड़े कमल जी ईस्टर्न इंडिया के सबसे पुराने क्लब लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता के गोल्डन जुबली ईयर 2006 और 7 में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अनेक नए प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स लिए और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके साथ अनेक सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं से भी उनका जुड़ाव। प्रोफेशनल बॉडीज में कमल जी की सक्रियता इसी से स्पष्ट है कि 1998 में सीए के ईस्टर्न इंडियन रीजनल काउंसिल के सदस्य बनने के बाद अब तक विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने इंस्टीट्यूट को अपनी सेवाएं लगातार दी। आज आप इतने बड़े प्रोफेशन में हैं, बंगाल के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपने काम में इतने बिजी रहते हैं, तो इन सब के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं? ऐसा है कि चांदनी, हमें जिंदगी में जो भी कुछ करना पड़ता है उसके लिए प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, तो यदि हमारी प्रायोरिटी में जो काम आ जाता है वो हम करते हैं, तो सामाजिक कार्य को भी यदि हम प्रायोरिटी दें तो वक्त अपने आप निकल जाएगा, यदि प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वक्त कभी नहीं निकलेगा। अपने प्रोफेशन और सोशल वर्क के प्रति समान रूप से डेडिकेटेड कमल नयन जैन के आधुनिक सोच विचार और रहन सहन के बावजूद जीवन मूल्यों के प्रति आस्था और अपनी संस्कृति और संस्कारों के प्रति अटूट श्रद्धा अब भी बनी हुई है। सामाजिक कार्यों के अलावा आपने अपने प्रोफेशन के लिए भी काफी कुछ किया है, तो आपका अपने प्रोफेशन के लिए क्या क्या योगदान रहा है वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। मैं सीए की ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए 1998 में चुना गया था, और जिस साल में चुना गया उस साल मैं ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन बना, और तदुपरांत 1999-2000 में मैं ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का चेयरमैन बना। एज ए चेयरमैन मुझसे जो भी कुछ इस प्रोफेशन के लिए मैं कर सकता था मैंने किया। वर्तमान में मैं कलकत्ता की एक प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और ये ईस्टर्न इंडिया के प्रोफेशनल्स की सबसे पुरानी बॉडी है। कमल जी के पिता श्री गंभीर मलजी जैन को इस बात का गर्व है कि उनके बेटे को उनके नाम से अधिक उन्हें स्वयं को अपने बेटे के पिता के रूप में जाना जाता है। सेवा करने की भावना बहुत अच्छी है, इसको और ऊंचा बढ़ना होगा। बहुत से आदमी लड़के को अपने बाप के नाम से पहचानते हैं,
आज मेरी पहचान मेरे लड़के की वजह से बनी हुई है। आज मैं अपने लड़कों को देख करके बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। कमल जी की बहन एवं परिवार के अन्य सदस्य सुख दुख में काम आने वाले, सबका साथ देने वाले कमल जी के प्रति अत्यंत सम्मान और स्नेह का भाव रखते हैं। भाई बेटा जैसा एकदम। वाह 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 जिंदगी, ये बहुत प्यार करते हैं जिंदगी, हर दुख के समय में साथ दिया। पे है चुनौती। का सिलसिला अभी जारी रहेगा, पर वक्त हो गया है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के बाद मैं जल्द ही वापस लौटूंगी।